Hello friends, welcome back to Ever Study Classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam. And the topic for today's discussion is Orientation versus Induction. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है ओरिएंटेशन और इंडक्शन के बीच के डिफरेंस को देखने से पहले इन दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली समझते हैं तो सबसे पहले ओरिएंटेशन को देखते हैं ओरिएंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक नए एम्प्लॉय को उसके कोवर्कर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसे उसके वर्किंग आवर्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स प्लेस ऑफ वर्क और उसे मिल रहे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है इस प्रोसेस में एम्प्लॉय को एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का और उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनके साथ उसे काम करना है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली सेटल हो जाए और नए इन्वायरमेंट में कम्फर्टेबल फील करे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मेन एम होता है किसी भी नए एम्प्लॉय की एंग्जाइटी को रिड्यूस करना उसे उसके जॉब एनवायरनमेंट और दूसरे एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंडक्शन इंडक्शन के प्रोसेस में हम एक नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके नए रोल्स और वर्किंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में ये एक वेल प्लान्ड प्रोग्राम होता है जिसमें नए जॉइनी को उसके कोवर्कर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है इस प्रोसेस में एक पर्सन को फॉर्मली कंपनी में एडमिट किया जाता है एज एन एम्प्लॉय टू टेक चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर पोस्ट इंडक्शन के प्रोसेस में एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के बारे में बताया जाता है और उसको फर्म की हिस्ट्री का एक ओवरव्यू दिया जाता है ये ओवरव्यू कंपनी के मिशन विजन वैल्यूज़ पॉलिसीज़ नॉर्म्स एम्प्लॉयर की हिस्ट्री क्लाइंट्स और पार्टनर्स और इसके साथ साथ ड्रेस कोड जैसी चीज़ों से रिलेटेड होता लास्ट स्लाइड में हमने ओरिएंटेशन और इंडक्शन के कंसेप्ट को समझा था तो अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग इंडक्शन के प्रोसेस में हम एक न्यू कमर को ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम करते हैं और उसे उसके जॉब के लिए रेडी करते हैं ओरिएंटेशन के प्रोसेस में हम एक नए जॉइनी को ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं और उसको कंपनी और उसके कोवर्कर्स के रिगार्डिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रोसेस इंडक्शन एक वन वे प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसके साथ साथ उसे पता लगता है कि कंपनी का मिशन क्या है विजन क्या है क्या वैल्यूज़ हैं पॉलिसीज़ नॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है ओरिएंटेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय को उसके कोवर्कर्स के बारे में तो बताते ही हैं पर इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या चाहिए वो कैसे एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करेगा जिससे वो इजीली एडजस्ट हो जाए अपने नए एनवायरनमेंट में इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इंडक्शन के प्रोसेस में हम एम्प्लॉय को फॉर्मली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट करते हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट को टेक ओवर करने के लिए वाइल ओरिएंटेशन के प्रोसेस में हम एम्प्लॉय के साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं जिससे वो ईजिली ऑर्गेनाइजेशन में सेटल हो जाए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड को इंडक्शन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है दैट इज़ एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बार जब वो ऑर्गेनाइजेशन में नया नया आता है तो कंपनी के बारे में बताया जाता है वाइल ओरिएंटेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि उसको टाइम लगता है ऑर्गेनाइजेशन में सेटल होने में वहाँ पर कम्फर्टेबल फील करने में सीक्वेंस की बात करें तो पहले इंडक्शन आता है क्योंकि कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को पहले दी जाती है और उसको उसके कोवर्कर्स से बाद में इंट्रोड्यूस कराया जाता है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर्म इंडक्शन के प्रोसेस में एक नए एम्प्लॉय को डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी जाती है कंपनी के रूल्स पॉलिसीज़ और एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में वाइल ओरिएंटेशन के प्रोसेस में एक नए एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल ओवरव्यू मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज़ उसे बताया जाता है कि उसे किन लोगों के साथ काम करना है उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे और जहां पर उसको काम करना है वहां का एनवायरनमेंट कैसा होगा
आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस एट द डिटेल्स मेंशन ऑन योर स्क्रीन। यू कैन डाउनलोड द PDF ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अ फ्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। फॉर फुल कोर्सेज प्लीज़ विजिट www.everstudy.co.in। थैंक यू।